तो भाई आज है हमारे घर में फंक्शन। फंक्शन क्या फंक्शन है वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। और आज सुबह तो काफ़ी गर्मी थी, टेम्परेचर काफ़ी हाई था, तो शाम को थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है जिससे बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो नतालिया वीडियो बना रही है, नतालिया डांस कर रही है और पापा को बोल रही थी कि पापा मेरी आप वीडियो शूट करो। और मैं आ गई हूँ पार्लर में, तो यहाँ पे फंक्शन वाली ब्राइड रेडी हो रही है। तो ये है नतालिया। नतालिया ब्राइड पार्लर में रेडी हो रही है और नतालिया घर पे रेडी हो रही है। वो वहाँ पार्लर में देख के आई है कि ताई रेडी हो रही हैं, तो वो घर आके मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मम्मा मुझे पहले रेडी कर दो। तो मैंने सोचा पहले ना बच्चों को रेडी कर देती हूँ और फिर खुद रेडी होती हूँ। हम लोग रेडी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मेरी जेठानी है उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली है उनकी, तो उसके लिए हम लोग सारे रेडी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नतालिया को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसका कॉम किया। फ्रेंड्स आज हमें है एक फंक्शन और इसमें हम जा रहे हैं। हमें छोटी ताई का फंक्शन है, उन्हें उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसमें जा रहे हैं। तो हम आपको जाके मिलते हैं। और ये देख लो मम्मा और नतालिया। तो फ्रेंड्स मम्मा नतालिया को डांट रही है। ये है ग्रूम, मतलब कि हमारे भैया जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम लोग अपना गेट वगैरह बंद कर रहे थे, हम लोग निकल रहे थे फंक्शन के लिए। क्या है आज आपकी मम्मी की शादी है? आज मेरी मम्मी की 25वीं शादी है, 25 साल की है। नमस्ते भैया, क्या हाल है? अच्छा मौसी, कैसे हो मैडम? बस ठीक है। आप सुनो, तुम सब बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं आपने अपनी बहन को? मैं बहुत ही अमेरिका सुन सकता हूं। और क्या सारे है आखले से लगानी मेकअप वाली ज्यादा पैसे दे क्यों ना? बहुत थोड़ी से थोड़ा वेलकम करने से क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? नमस्ते। हम सब ने लगा दिए घर में ताला और पहुंच गए फंक्शन में, हॉल में जहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। तो लोग आना स्टार्ट हो गए थे और ये हमारे चाचा चाची जी हैं। यहाँ पे स्नैक्स सर्व हो रहे हैं, ये डैडी जी हैं, चाची चाचा जी हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के आके और स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने लिए थोड़े से, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब गैदरिंग होती है। और फिर जब जब तक फंक्शन में गैदरिंग ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। एक्चुअली भैया भाभी की सिल्वर जुबली हो गई है फेब की, फेब्रवरी में थी। बट उनका मेन रीज़न था अभी करने का कि जब उनके भैया एक US में रहते हैं तो वो वहाँ से उन्होंने अभी आना था घर पे वापस, तो इसलिए उन्होंने ये मंथ सेलेक्ट किया कि सभी फैमिली जब मेंबर्स इकट्ठे हों तभी करनी चाहिए। तो ये है उनकी बेटी और ये है US वाले उनके भैया और भाभी। तो भाभी के दोनों भाई और भाभी हैं और उनके बच्चे, ये सब स्टेज पे हैं। तो भाभी को मिल रहे हैं गिफ्ट वगैरह, तो फ़ोटो शूट हो रहा है। और अब जयमाला कर दिया उन्होंने स्टार्ट, बच्चों ने दे दिए हैं और भैया ने पहना दी भाभी को और भाभी ने पहना दी भैया को। और काफ़ी अच्छा फंक्शन था। वैसे तो टेम्परेचर काफ़ी हाई था, काफ़ी गर्मी थी दिन में, जो शाम को हल्की सी बारिश हो गई थी और उसकी वजह से बाहर अच्छा मौसम हो गया था और फंक्शन का भी अच्छा मज़ा आ गया। क्योंकि अगर गर्मी हो तो जो हमने ड्रेसेस डालनी होती है हैवी हैवी, तो उसमें भी काफ़ी गर्मी लगती है। बट काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था बाहर। तो ये है छोटी सी डॉल, वो बोल रही थी कि नतालिया वीडियो में आती है तो मैंने भी वीडियो बनानी है। तो अब केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, तो वेट कर रहे हैं सबका। ये जो येलो कुर्ता पजामा में है, ये US से आए हैं भाभी के भैया और उनकी भाभी। तो ये हमारी चाची जी हैं। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी रील आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी केक कट हो रहा है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताना।
आप मेरी वीडियो कौन सी स्टेट से देख रहे हो आप कमेंट्स में बताना। और भाभी के भैया इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो लगते नहीं है कि वो यूएस से आए हैं। अदरवाइज़ जो कई लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से फॉरेन में चले जाते हैं, उनका जो ईगो जो है एटीट्यूड उनको बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो यहाँ के ही हैं। और उसके बाद भैया ने काफ़ी डांस किया, काफ़ी ज़ोरदार धमाकेदार डांस किया, क्योंकि फंक्शन हो रहा हो और डांस ना हो और फंक्शन का क्या मज़ा आएगा। फिर काफ़ी सब ने डांस किया, हमने भी किया और भैया ने बड़े सुंदर सुंदर स्टेप दिखाए। लोगों को सी ऑफ करने के बाद जब फैमिली वालों का खाने खाने का टाइम आया तो बाहर वेदर इतना ख़राब हो गया, मौसम इतना ख़राब हो गया, इतना आंधी तूफान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।